दोस्तों, स्पीडवे मैच जो कवर करने वाले हैं गुजरात और चेन्नई के बीच, जो कि आज का आईपीएल मैच खेला जाए, जो कि क्वालिफायर फर्स्ट मैच है। और देखो तो दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, चेन्नई के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि मैच चेन्नई में खेला जा रहा है और अपने होम ग्राउंड में चेन्नई ज्यादातर मैचेस विन भी करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा मैच रहेगा। ज्यादा टाइम इस मैच के स्टार्ट होने, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये मैच 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। आप लोग 7 बजे एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक मत ज्वाइन कर, मेरे नाम से बहुत सारे फेक, आप उनसे दूर रहना। कमेंट बॉक्स में लिंक है और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो ये जो मैच है चेन्नई में ही खेला जाएगा, चेन्नई के होम ग्राउंड में। और यहाँ पे चेन्नई अपने मतलब की होम ग्राउंड में ज्यादातर मैचेस विन करते ही है, तो मेरे हिसाब से आज चेन्नई थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट होनी चाहिए। लाइव देख सकते हो जियो सिनेमा ऐप पे देख सकते हो। लेकिन उससे पहले फैन टू प्ले पे आज से एक नया लीडर बोर्ड लाइव हुआ है। अब देखो, पहले कितने सारे लीडर बोर्ड फैन टू प्ले पे चल रहे हैं, और एक और नया लीडर बोर्ड, यानी आप कह सकते हैं आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा विन करने का। और ये डिपोजिटर्स लीडर बोर्ड है, सॉरी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, ठीक है। आपको बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो बंदा सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, यह आज से लीडर बोर्ड स्टार्ट हो रहा है और 28 तारीख को एंड हो जाएगा, 28 मई को एंड हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 5 दिन का लीडर बोर्ड है, और इन 5 दिन में फर्स्ट प्राइज क्या मिला, सैमसंग गैलेक्सी S22। और जो लास्ट विनर थे उनको उनका प्राइस मिल चुका है, आप इनका इंस्टा चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा विनर्स का नाम। तो फर्स्ट प्राइज सैमसंग गैलेक्सी S22 है, सेकेंड प्राइज है सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग स्मार्ट वॉच है, और इसी तरह से टोटल 20 विनर्स है। इजीली विन करोगे, बस आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, 5 दिन आप खेलो फैन टू प्ले पे, इजीली विन करके जाओगे सैमसंग गैलेक्सी S22 वो भी। तो बात करते पिच रिपोर्ट, वही चेन्नई का विकेट है, सभी को पता है विकेट कैसा है चेन्नई का, मीडियम विकेट है, ना लार्ज है ना स्मॉल है, मीडियम विकेट है। और ये जो विकेट है हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन कभी कभार होता है कि यहाँ पे ज्यादा रन नहीं बन पाते, बट मोस्ट ऑफ द मैचेस चेन्नई इस विकेट पे फर्स्ट इनिंग में 200 प्लस स्कोर कर देते हैं। अगर 200 प्लस अगर ना भी हो तो 180 तो मिनिमम जाता ही जाता है इस विकेट पे, तो ध्यान रखना। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करे तो 180 या फिर 200 प्लस की होप कर सकते हो मेरे हिसाब से। और ये वही विकेट जिसपे डेविन कॉनवे मोस्ट ऑफ द मैचेस पे स्कोर कर ही रहा है, और चेसिंग भी हो जाता है इस विकेट पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल विकेट मान के टीम बनाना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बात करते सबसे पहले गुजरात टाइटंस का, जो कि लाइनअप जो की होनी चाहिए, वृद्धिमान साहा विकेट कीपिंग तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्म में अच्छे चल नहीं रहे। शुभमन गिल के साथ ओपन करेंगे, शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे और काफी मतलब स्लो स्टार्ट कर रहे, बड़े इनिंग में इजिली कन्वर्ट कर दे रहे और काफी टिक्के खेल रहे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगा टीम से। हार्दिक पांड्या लास्ट मैच वरना बैटिंग तो नहीं, मुझे लगा ही था कि हार्दिक पांड्या वरना बैटिंग नहीं करेंगे, मुझे लगा था इम्पैक्ट के तौर पे आएंगे ओ विजय शंकर, और वही हुआ, विजय शंकर इम्पैक्ट के तौर पे वरना बैटिंग करने आ गए थे, और वही हुआ था हार्दिक पांड्या वरना बैटिंग। साई सुदर्शन जो कि फोना बैटिंग करेंगे टीम की तरफ से, फोना बैटिंग भी करेंगे और इस मैच के लिए अवेलेबल है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि वरना बैटिंग करने भी आ सकते हैं साई सुदर्शन, इस बार लाइनअप से नाम इनका। विजय शंकर भी इस बार लाइनअप से नाम है, तो लास्ट इंपैक्ट के तौर पर खेले थे सब्सिट्यूट, बट आज ही इनका लाइनअप से भी नाम है। डेविड मिला जो कि फिनिशर रहेंगे टीम तरफ से, राहुल तेवाटिया एक अच्छे प्लेयर टीम तरफ से, बट फॉर्म में बिल्कुल नहीं चले, ना बॉलिंग कर रहे ना बैटिंग कर रहे, बस फील्डिंग करने आते हैं और वो बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे। राशिद खान जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं और बॉलिंग तो अच्छे करते ही है। सबसे बड़ी बात विकेट टेकिंग नेचर प्ले, विकेट इनको इजिली मिल ही जाना है। उसके अलावा मोहम्मद समी जो कि टीम के तरफ से डेथ में बॉलिंग करते, एक मस्ट पिक होनी चाहिए। लास्ट अच्छे डेथ में बॉलिंग करने आए थे मोहित शर्मा, जो कि डेथ में बॉलिंग करने आए तो थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मोहित शर्मा पिक करने से पहले पिटता भी बंदा बहुत ज्यादा, अगर फर्स्ट पावर प्ले में या फिर जब भी स्टार्ट करे तो हो सकता है इनके मतलब पिटाई हो, तो इनको आगे ओवर, जैसे एक ओवर में अगर पिटाई हो गया तो दूसरा ओवर इनको मिले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरा ओवर भी अगर पिटाई हो गया तो समझ लो अब आगे बॉलिंग करेगा ही नहीं, अगर अच्छी बॉलिंग कर लिया तो 4 ओवर मिलता है वो भी 10 में। तो ग्रेलिटी में ट्राई कर लेना, नूर अहमद एक अच्छा प्लेयर स्टार्ट करे फर्स्ट पावर प्ले में, मे भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये गुजरात टाइटन्स का लाइनअप सकता देख लो, वही लाइनअप से थोड़ा बहुत चेंजेस है कि विजय शंकर लाइनअप में सबसे ट्यूड भी नहीं है, साई सुदर्शन वापसी कर सकती इस मैच में। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स का आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे टीम से, एक अच्छे प्लेयर टीम से, लास्ट अच्छी इनिंग खेले थे, मैन ऑफ द मैच कहते थे। डेविन कॉनवे इस विकेट पे हर एक मैच स्कोर कर रहे, इस विकेट पे चेन्नई के विकेट पे ना हर मैच स्कोर कर ही रहे डेविन कॉनवे। और उसके अलावा अजिंक्य रहाणे वरना बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट अच्छे शिवम दुबे आ गए तो वरना बैटिंग करने, ऐसा हो भी सकता है बट मेरे हिसाब से आज अगर हिटिंग की जरूरत ना पड़े तो हो सकता है वरना बैटिंग अजिंक्य रहाणे ही करने आए, अगर हिटिंग की जरूरत पड़ेगी तो उसके इसमें आ सकते हैं शिवम दुबे हिटिंग के लिए, स्पिन को अच्छा खेलते शिवम दुबे। उसके अलावा मोइन अली अब इनका भी बैटिंग कुछ कन्फर्म नहीं, फोन ना बैटिंग लिखते हैं लेकिन फोन ना बैटिंग करने आते ही नहीं है, MS धोनी से भी नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो मैं इनका कुछ कह नहीं सकता। प्लस बॉलिंग, हालांकि ये जो स्पिन फ्रेंडली विकेट है चेन्नई के विकेट पे बॉलिंग कर लेते 2 से 4 ओवर अच्छे प्लेयर है। उसके बाद शिवम दुबे टीम के तब से हिटिंग के लिए प्रमोट हो जाते, प्लस स्पिन को भी अच्छा खेल लेते। रविंद्र जडेजा काफी अच्छे स्पिनर है, जो उसे कवर के चलना, इस विकेट पे विकेट लेके चल जाते, ये वही विकेट है जिससे 3 विकेट लेते।
बॉटन रहेंगे टीम 10 से, एमएस धोनी जो कि फिनिशर रहेंगे टीम 10 से, दीपक चहर न्यू बॉल से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पावर प्ले अगर लगेगा आपको विद्युमन शाह शुभमन गिल का विकेट गिरेगा तो काफी इंपॉर्टेंट पिक है टीम 10 से। उसके अलावा मथीसा पथी राणा 10 में बॉलिंग कर रहे टीम 10 से और अभी इनका लाइनअप में नाम है बट सब्स्टिट्यूट भी खेल लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा महेश सिक्चाना लास्ट में 10 में बॉलिंग किए थे और अच्छी बॉलिंग ही किए थे, इंपॉर्टेंट पिक रही टीम 10 से। तुषार देशपांडे पिटाई बहुत ज्यादा होता है लेकिन विकेट मिल जाता है एंड में भी, अगर एक बॉल भी बच रहेगा तो उसमें भी विकेट इसको मिल ही जाता है तुषार देशपांडे को कितनी भी खराब बॉलिंग कर ले। और उसके अलावा टॉप बैटर देखो विकेट कीपर तो ऑब्वियस बात है डेविन कॉनवे अच्छा ऑप्शन देंगे, अभी इस विकेट पे हमेशा स्कोर कर ही रहे डेविन कॉनवे, कंटिन्यूसली रन मार रहे इस स्कोर मतलब इस विकेट पे चेन्नई में इंपॉर्टेंट है, प्लस लास्ट अच्छे भी स्कोर किए थे तो डेविन कॉनवे मेरे हिसाब से आज भी अच्छी हिटिंग करके आपको दे सकते हैं डेविन कॉनवे। टॉप बैटर पिक रहेंगे शुभमन गिल जो कि मस्टर पिक होनी चाहिए, फॉर्म में चल रहा है, 14 मैचेस खेल चुके हैं और 618 रन स्कोर कर चुके हैं और इनका देखोगे इन्होंने 14 मैचेस खेले लेकिन इन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किए थे, सही है 585 स्कोर किए बट फिर भी डेविन कॉनवे का फेवरेट विकेट हो सकता है। उसका टॉप ऑलराउंडर इस विकेट पे रविंद्र जडेजा विकेट लेके जाते हैं, इस चीज का ध्यान है, इस ग्राउंड पे विकेट लेके जाते ही है रविंद्र जडेजा, 2 से 3 विकेट आप कंफर्म मान के चल सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल टीम सीबीसी भी कर सकते हो और हिटिंग के लिए भी आ ही जाते हैं। टॉप बैटर देखो टॉप बॉलर राशिद खान ही रहेंगे क्योंकि अभी फॉर्म में भी चल रहे प्लस बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं राशिद खान, इंपॉर्टेंट है टीम से। बाकी जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे जूस इन्फॉर्म को तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, सर्च करके ज्वाइन करते सर्च करना ऐप लेवल टीम बिना स्पेस देखे विदाउट स्पेस सर्च करना ऐप लेवल टीम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं प्लेयर बाय स्टैंडिंग्स की, उससे पहले फैन टू प्ले पे एक और नया लीडर बोर्ड लाइव है जो कि आज से लीडर बोर्ड लाइव है यानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और फैन टू प्ले पे आपको डेली डेली प्राइजेस मिलता है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट भी करते हो फिर भी आपको प्राइजेस मिलता है, रियल कैश मिलता है, अगर आप इस ऐप पे इन्वेस्ट करते हो पैसा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में मैचेस में तो भी आप यहाँ पे प्राइस अलग से दिए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी ऐप है, ट्राई यूज करना, 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस ऐप पे यानी आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। और आज तक फर्स्ट प्राइस 20,000 रुपये और उसके अलावा रियलमी का स्मार्टफोन उसके साथ जो कि फ्री में ही मिलेगा आपको और फर्स्ट प्राइस तो आपको पीसर मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं करना आपको सबसे पहले एक बार पैन टू प्ले जूस ट्राई करना, ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है इस ऐप के और भी बहुत सारे इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक उस पर क्लिक डाउनलोड कर लेना, रेफर कोड ऐप 11 यूज करके रजिस्टर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड करना। आप देखोगे यहाँ पे डिपॉजिट करने पे आईफोन 13 भी मिल रहा है डिपॉजिट करने पे देखो, और उसके अलावा 2 कूपन कोड्स भी अवेलेबल जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड कॉइन मिल रहा है अगर आप 60,000 पे डिपॉजिट करोगे तो आपको गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है और 100% बोनस भी मिल रहा है, जैसे आपने 60,000 पे डिपॉजिट कर दिया तो आपको 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा 24 कैरेट का, और जो पैसा आप ऐड करोगे आपके वॉलेट में रहेगा, खेल के उसे इंस्टेंट 2 सेकंड के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, तो ट्राई उसे करना इजिली विन करोगे। अभी वो टीम दे देता हूँ और हाँ फैन टू प्ले पे डेली कुछ ना कुछ प्राइस मिल रहा है, मैच यहाँ पे फर्स्ट पे था तो यहाँ पे प्राइजेस डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता है और जो है ना 35 पे क्लिक इसे जो से पार्टिसिपेट करना अगर आपको लीडर बोर्ड विन करना है जिससे भी लीडर बोर्ड फर्स्ट प्राइज रेनॉल्ट कार आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे डेली प्राइजेस मिलता है, अभी 20,000 पे आपको कैश भी मिलेगा फर्स्ट प्राइज, अगर आपकी रैंक आती है फर्स्ट प्राइज तो 20,000 पे आपको कैश भी मिलेगा प्लस रियलमी के स्मार्टफोन मिलेगा और जो रियलमी के स्मार्टफोन है 2 दिन के अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया और जो 20,000 आपके वॉलेट में डाल दिया जाएगा, ट्राई जिसे करना इजिली विन करते हो, 25% बोनस भी यूज कर सकते हो, 25% बोनस की बहुत अच्छी बात है। बात करें विकेट कीपर सेशन की उससे पहले तो वीडियो जूस लाइक कर देना, देखो विकेट कीपर सेशन डेविन कॉनवे इस विकेट पे स्कोर कर ही रहे कंटिन्यूसली, इस विकेट पर रन मार रहे हुई 80+ इंपॉर्टेंट टीम से मैं डेविन कॉनवे प्रेफर करूंगा और चेन्नई मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा फेवरेट होनी भी चाहिए तो मैं डेविन कॉनवे ही प्रेफर करूंगा। विद्युमन शाह साइड रखते फॉर्म भी बेकार चल रहा है प्लस उतनी देर तक टिक नहीं पा रहे और आज तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बैटिंग सीजन से देखोगे तो देखो शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे अभी कुछ कह नहीं सकता कि हाँ कैसे स्कोर करेंगे बट फॉर्म में चल रहे जबरदस्त लगातार 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ एक इंपॉर्टेंट है कि टीम से लास्ट अच्छी इनिंग खेले थे प्लस मैन ऑफ द मैच भी गए थे, साई सुदर्शन एक इनफॉर्म देखो 30-35 इजीली मारता है, मैं पर्सनली परफेक्ट करता हूँ, ये इतना मार देता है, स्लो स्टार्ट करता है, टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और टिक के खेलता है, TNPL का स्टार प्लेयर है, तमिलनाडु का प्रीमियर लीग आप खेलते हो आपको पता होगा इनके बारे में, आराम से 30-35-40 मार देता है, 30 तो आराम से मारता है हर एक मैच में। शिवम दुबे वरना बैटिंग करने आ गए थे लेकिन वो हिटिंग के लिए बस आए थे तो देखने वाली बात है वरना बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे, फिलहाल मैं 2 ही बैटर प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वरना बैटिंग कन्फर्म नहीं है, अजिंक्य रहाणे मेरा लेगा मन है बट बहुत लोग शिवम दुबे को ट्राई करें शिवम दुबे को तो शिवम दुबे मैं पिक कर सकता हूँ अगर वरना बैटिंग करेंगे तो, अजिंक्य रहाणे अच्छा ऑप्शन नहीं है, आप ग्रैली टीम अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर लेना और उसके अलावा राहुल त्रिपाठी को तो साइड ही रखिएगा। उसके अलावा रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट है, विजय शंकर लास्ट अच्छे इंपैक्ट के तौर पर वरना बैटिंग किया था, अगर साई सुदर्शन आज खेलते हैं तो मे भी हो सकता है कि विजय शंकर वरना बैटिंग ना करे अगर साई सुदर्शन खेले क्योंकि वरना बैटिंग वो भी कर सकते हैं, विजय शंकर से भी मैं साइड रखना चाहूंगा क्योंकि उतना इनफॉर्म प्लेयर नहीं अभी तो साइड रखते हैं।
मोइन अली एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इस विकेट पे बॉलिंग कर लेते, स्पिन फ्रेंडली विकेट है और इस विकेट पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है और एमएस धोनी इस विकेट पे चेन्नई के विकेट पे ये स्पिनर को ज्यादा इस्तेमाल करते, तो हो सकता है आज दो ओवर बॉलिंग कर ले कम से कम। बट थोड़ा इसके ऑप्शन है हार्दिक पांड्या पिक करने, इसलिए प्रेफर करो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग कुछ कंफर्म तो नहीं रहता बट कर सकते हैं और साथ ही साथ बैटिंग भी, वरना बैटिंग करने आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि साई सुदर्शन या विजय शंकर आए, साई सुदर्शन चांसेस है बट विजय शंकर चांसेस ना के बराबर है। हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट की अंदर से लास्ट जो बैटिंग नहीं है बट हाँ आ भी सकता है आज के मैच पढ़ना बैटिंग करने। राशिद खान इंपॉर्टेंट है और देखो अंडर कुछ खास नहीं है, मोइन अली है बट उनके चांसेस थोड़ा सा कम है बॉलिंग के। राशिद खान इंपॉर्टेंट है, पथी राणा एक अच्छा ऑप्शन है टीम से, अच्छी बॉलिंग करता है पथी राणा, लिटरली बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। अभी पिक करूंगा दीपक चारमिनर, बहुत माने पिक करने क्योंकि फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करेंगे और सबसे बड़ी बात कि ये ना निबोसा स्टार्ट करेंगे तो अच्छा ऑप्शन रहेंगे टीम, तो हो सकता है रिद्धिमान शाह का विकेट गिर जाए फिर शुभमन गिल का विकेट गिर जाए तो एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। मोहम्मद शमी में फिलहाल मैं प्रिफर करूंगा पिक करना। दीक्षाना इंपॉर्टेंट है, महेश दीक्षाना टीम सिद्धार्थ में बॉलिंग किया था लास्ट बचे, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे टीम से। अब जो तीन प्लेयर्स लेने हैं अब आपको डिपेंड करता है कहाँ से आपको प्लेयर्स चाहिए, तीन प्लेयर्स चाहो तो आप रिद्धिमान शाह या फिर बैट्समैन के तौर पे अजिंक्य रहाणे फिर शिवम दुबे को ट्राई कर, शिवम दुबे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर वरना बैटिंग करे, अदरवाइज हो सकता है नीचे ही बैटिंग करे, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और इस विकेट पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है तो हो सकता है शिवम दुबे हिटिंग के लिए आज भी प्रमोट हो, बहुत चांसेस है। बट हो सकता है वरना बैटिंग नहीं तो टू रन बैटिंग कन्फर्म करने आए, वरना बैटिंग भले ना करे बट टू रन बैटिंग जरूर से करने आ सकते शिवम दुबे, पहले बैटिंग तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पथी राणा में पिक कर रहा हूँ। अब जो दो प्लेयर्स लेना है आप दीपक चहर पिक कर लो, तुषार देशपांडे पिक कर लो या फिर पिक कर लो मोहित शर्मा, ये आपको डिपेंड करता है। जो नौ प्लेयर्स हो ओवरऑल बहुत सही है। अब मुझे जो लेने का मन है बैटिंग से मुझे मन था अजिंक्य रहाणे पिक करूँ बट शिवम दुबे इसलिए पिक करूँ क्योंकि ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, शिवम दुबे काफी अच्छे स्पिन को खेलते हैं प्लस टीम उधर से हिटिंग अच्छे कर लेते हैं। हो सकता है कि लास्ट मैच की तरह वरना बैटिंग है लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम है लेकिन आप कंफर्म मान के चल सकते हैं हाँ ये टू डाउन बैटिंग कर ही लेके फोर ना पे, तो शिवम दुबे को भी मैं कवर करके चल रहा हूँ। अब जो फाइनल पे बचता है वो आपको डिपेंड करता है कहाँ से लेना है, रहाणे मन था बट नहीं पिक कर ग्रेलिटी में पिक कर लेना। ऑलराउंडर सेक्शन से मोइन अली साइड रखते हैं, विजय शंकर साइड ही रखते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए पिक करूँ दीपक चहर को बट अपनी टीम में चाहो तो तुषार देशपांडे, हालांकि पिटाई बहुत ज़्यादा होती है तुषार देशपांडे बट विकेट मिल जाता है, मैं तुषार देशपांडे के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं दीपक चहर के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है फर्स्ट पावर में पता नहीं हो सकता है सुमन गिल या फिर सहा फ्लॉप जाए तो विकेट लेके जा सकते हैं दीपक चहर, हालांकि इंडिया पे हो सकते हैं 11th में मैं कोई और ट्राई करूँ अगर मुझे लगेगा मोइन अली तो मैं मोइन अली को ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली विकेट है और इसमें बॉलिंग करेंगे मोइन अली, बहुत चांसेस है कि दो से चार ओवर बॉलिंग करेंगे, दो ओवर तो आप कन्फर्म मान के चल सकते हो, अगर लग साथ देगा तो ये पक्का टू रन बैटिंग करने भी आ जाएगा, अगर टू रन बैटिंग करेंगे मोइन अली तो उसके साथ शिवम दुबे को ड्रॉप करके मोइन अली ट्राई करना प्रेफर करूंगा, कुछ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मोइन अली, एक कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूंगा। बाकी मोहित शर्मा में कुछ कह ही नहीं सकते इनके बारे में क्योंकि ये देखो डेथ में बॉलिंग तो कर लेता है लेकिन जब पिटाई जब दो ओवर तक अगर बहुत महंगा साबित होते तो आगे बॉलिंग नहीं दिया जाता है तो ये भी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन ही है। कैप्टन की बात करें तो बहुत लोग मैंने ट्राई कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, डेविन कॉनवे, ऋतुज गायकवाड़ इन लोगों को ट्राई करेंगे स्मॉल इट भी है शुभमन गिल वगैरह, बट मैं प्रेफर करूंगा डेविन कॉनवे इसलिए क्योंकि आपको देखो सबसे बड़ी बात कि टीम दस इस मैच में मतलब कि इस विकेट पे स्कोर कर रहे हैं कंटिन्यूसली इस विकेट पे रन मार रहे हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से 80 प्लस स्कोर इजिली कर रहे हैं चेन्नई में और पीछे बैटिंग ट्राई लिए तो इसलिए एज ए कैप्टन प्रेफर करूंगा डेविन कॉनवे। बहुत लोग बोलेंगे कि हार्दिक पांड्या नहीं ट्राई कर रहे बट बता दूं ये टीम से बॉलिंग देखो हो सकता है बॉलिंग कर भी ले कुछ कह नहीं सकता, लास्ट जो बॉलिंग नहीं किए थे उससे पहले लास्ट जो टीम से वरना बैटिंग भी नहीं करने आए थे तो ये भी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हार्दिक पांड्या करे नहीं करे, अगर आप चाहो तो कैप्टन कर सकते हो। मैं अपना वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा के साथ जाने का मन था, आप ऋतुराज गायकवाड़ सुमन गिल को भी ट्राई कर सकते हो मुझे बट गिल से बहुत कम ही होप रहता है, मैं अपना वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को ट्राई कर रहा हूँ और आप चाहो तो सीबीसी रिवर्स भी कर सकते हो या फिर सुमन गिल को ट्राई कर सकते हो, ये आपको भी डिपेंड करता है कि हाँ किसको ट्राई करना है अपना सीबीसी। मैं टेली यहाँ पे क्लियर कर दूंगा फिलहाल डेविन कॉनवे इसलिए क्योंकि इस विकेट पर हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, सेम से कॉन्टेस्ट बुक कर दो सीबीसी में कन्फर्म टेली यहाँ पे करूंगा, क्या हो सकता है मैं सुमन गिल कैप्टन हो, हालांकि सुमन गिल मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ ये ना गुजरात के विकेट पे स्कोर करते ज़्यादातर इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा था, बस मैं जूस ट्राई करता हूँ वाइस कैप्टन प्लस सेम टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ स्मूथली टीम बन गई फैन टू प्ले पे। दो तीन चेंजेस मैं भी करूंगा टेली यहाँ पर अपडेट में कर दूंगा, सेम टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो सीबीसी रोटेट करके ना आप जैसे ग्रैंडी में अजिंक्य रहाणे को ट्राई करना, मोइन अली को ट्राई करना और साथ ही साथ रोटेट करना सीबीसी बॉलर्स को रोटेट करना, राशिद खान को रोटेट करना और उन सबको रोटेट करके अपनी ग्रैंडली टीम बनाकर और इसमें जरूर से पार्टिसिपेट करना, 50 टीम लगा सकते हो ग्रांटेड लीग, अगर फुल नहीं भी होगा लीग तो आपको कंफर्म है कि प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर से करना क्योंकि इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आज से लाइव हो रहा है जिससे फर्स्ट प्राइस सैमसंग गैलेक्सी S22 देखो
बाकी उस पर खेलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट पैंट टू फ्लिप का पैसा इन्वेस्ट करते हो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में तो आपको फ्री में मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22, और जो लास्ट विनर्स थे उनको उनका प्राइस मिल चुका है। यहाँ पे डेली आपको प्राइस मिलता ही मिलता है, डेली आपको अभी अगर डिपॉजिट करते हो 60,000 रुपये तो आपको गोल्ड कॉइन भी आपको मिल रहा है, कन्फर्म बोल रहा, कन्फर्म ऐसे नहीं कि हाँ लकी यूजर्स, कन्फर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। 60,000 रुपये अगर डिपॉजिट करते हो तो 24 कैरेट गोल्ड कॉइन आपके घर पर ही डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी रियल गोल्ड कॉइन। ट्राई जो से करना, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, 4 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे यूजर्स है, और साथ ही साथ एक हैंड अप मशीन इंडियन ऐप है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं अपना वाइस कैप्टन हो सकता है सुमन गिल को ट्राई करता बट मुझे थोड़ा इनसे कम हो, बहुत ही कम ही हो पे इस मैच में इनसे। हर रविंद्र जडेजा अच्छे ऑप्शन है सीबीसी का टीम पहले बॉलिंग करे तो। अभी सेम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो, अगर मुझे लगेगा मोइन अली वनडा बैटिंग टू रन बैटिंग करने आएंगे तो उसके साथ शिवम दुबे पर डायरेक्टली मैं मोइन अली को पिक करूंगा। जब तक आप साइन अप कर लेना और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड से पार्टिसिपेट करना, बहुत इजीली पिन करो। फर्स्ट पे सैमसंग गैलेक्सी S22 है, वो प्राइजेस दिखा देता हूँ। और उसके अलावा डिपॉजिट करने पर अलग से आपको गोल्ड कॉइन मिल रहा है, डेली आप रैली विन करोगे तो आपको अलग से आपको स्मार्टफोन मिलता है। देखो फर्स्ट पे सैमसंग गैलेक्सी S22 जो कि हर किसी को चाहता है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, जब तक जोर से पार्टिसिपेट कर लेना। आज से लीडर बोर्ड लाइव है, डिपॉजिट कर लेना 60,000 रुपये डिपॉजिट डायरेक्ट कर लो ना यार, फ्री में गोल्ड कॉइन भी मिल जाएगा और रियल कैश भी मिल रहा है। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करना, बाकी टेलीग्राम पे भी आकर डाउनलोड कर सकते हो, ऐप लिंक करके मैं आपको शेयर कर देता हूँ।